स्वागत है जम्मू जन के उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हमारे द्वारा जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2022 के प्रीलिम्स परीक्षा तथा एसआई भर्ती परीक्षा उसके लिए जो एमसीक्यूज की सीरीज चलाई जा रही है, उस कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए उपस्थित हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को लेकर। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको जमाना है कालक्रम के अनुसार। तो पहला कथन है हमारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है 1900 में पेंड्रा, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही का हिस्सा है, पेंड्रा रोड वहां से हुआ था। इसके संपादक में आप नाम जानते हैं किनका? पंडित माधवराव सप्रे जी का, और दूसरा नाम है इसमें पंडित रामाराव चिंचोलकर जी का। इसके प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है वामन राव लाखे जी का। तो 1900 में ये प्रकाशित किया गया था। प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का आयोजन 29 मार्च 1907, जहां मध्य प्रांत कांग्रेस में फूट पड़ी थी, रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, ये 13 अप्रैल 1907 की कहानी है। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी के द्वारा सरस्वती पुस्तकालय स्थापित किया गया था राजनांदगांव में 1909 में। तो सही कालक्रम में आपको जमाना है, दिख रहा है ये 1900 है, फिर मार्च की कहानी तो 1907, अप्रैल की कहानी 1907, और ये 1909। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 जहां आपको दिख रहा है वो है ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, असंगत युग्म का चयन करें। दिया हुआ है एक सूची में जंगल सत्याग्रह, दूसरा में उसका नेतृत्व करता, अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गट्टाशिल्ली जंगल सत्याग्रह, ये आप जानते होंगे कि गट्टाशिल्ली जंगल सत्याग्रह जो है वो जून 1930 की घटना है धमतरी जिला का, और इसके नेता थे नारायण राव मेघावाले जी, ये सुमेलित है। मोहबना मतलब बालोद का मोहबना है, जहां से 1930 में जुलाई महीना में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसको बोलते हैं पोड़ी मोहबना, और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इस जंगल सत्याग्रह में शामिल थे। बदरा टोला 21 जनवरी 1939 का जंगल सत्याग्रह की घटना है, जिसमें रामाधीन गौड़ जी का नाम आता है, जो पुलिस कार्यवाही में शहीद हो गए थे। और यहां पर दिया हुआ समारू बरई जो है वो छुई खदान जंगल सत्याग्रह से संबंधित थे, जो कि 1938 में हुआ था। डी ऑप्शन देख लीजिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह, महासमुंद जिला की कहानी है, सितंबर 1930 की कहानी है, शंकर राव गणौद वाले और यति यतनलाल, ये वही जंगल सत्याग्रह है जहां पर दयावती ने एसडीओ एमपी दुबे को तमाचा जड़ दिया था। तो हमारा जो ए बी और डी जो है वो सुमेलित है, जबकि सी सुमेलित नहीं है, और आंसर होगा तो यही, क्योंकि असंगत युग्म आपको बताने थे। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन काल की रियासत के संदर्भ में सही है, आपको बताना है रियासत के संबंध में सही कथन। आप ये सामान्यतः जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी 14, चाहे वो आप बोले मध्य प्रांत बंगाल विभाजन के स्थिति के पूर्व, चाहे आप बोले बंगाल विभाजन की स्थिति के पश्चात, रियासत की संख्या 14 थी, बस नाम बदला था, 5 जुड़े थे, 5 यहां से हटे थे, तो 14 रियासतें थी। कथन के रूप में है ये प्रश्न, देशी रियासतों की संख्या 14 थी, जी बिल्कुल 14 थी। हम क्षेत्रफल के रूप में देखते हैं तो प्रदेश में सबसे बड़ा रियासत क्षेत्रफल में बस्तर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में था, जबकि शक्ति सबसे छोटा रियासत था, 357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। 1 जनवरी 1947 को मध्य प्रांत में इन रियासतों का विलय, 1 जनवरी 1947 को विलय नहीं हुआ था, 1 जनवरी 1948 को इसका विलय हुआ था, और राजनांदगांव पहला रियासत था जिन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था। तब राजनांदगांव रियासत के राजा थे महंत दिग्विजय दास, लेकिन वो नाबालिग थे, तो उनकी माता जी ने, जयंती देवी जी ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कथन गलत है, सही बताना है हमको। विलय में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने ही काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट का गठन किए थे, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, रियासतों को भारत संघ में शामिल कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का,
काउंसिल ऑफ एक्शन इन सीजी स्टेट का गठन किए थे, सचिव थे जय नारायण पांडे जी, और इन्हीं के योगदान से ही 14 रियासत मध्य प्रांत में शामिल हुए हैं। तो ये योगदान इनका कथन जो है योगदान के रूप में बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा रियासत शक्ति था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सबसे छोटा रियासत था। तो सही कथन बताना है, मतलब हमारा उत्तर है 1 और 3, ऑप्शन ए में आपका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न है, सोना खान के जमींदार को अक्टूबर 1856 में प्रथम बार कहां से गिरफ्तार किया गया। सोना खान के जमींदार की बात हो रही, मतलब नारायण सिंह जी की बात हो रही है, वीर नारायण सिंह, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान हमारे प्रदेश से शहादत प्राप्त करने वाले प्रथम शहीद है। प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के तात्कालिक जमींदार। थोड़ा सा वीर नारायण सिंह के बारे में आप जान लीजिए, 1795 में इनका जन्म हुआ था, जब इनके पिताजी का 1830 में डेथ हुआ। पिताजी कौन, तो इनको भी जानना जरूरी है, रामसाय जी। और रामसाय जी का जब डेथ होता है तो रामसाय के बाद जमींदार बनते हैं ये जो वीर नारायण सिंह जी है वो 35 वर्ष की आयु में। और जब 1857 क्रांति शुरू होता है उसी दौरान सोना खान से विद्रोह होता है एक घटना के कारण, जो सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है उसको लेकर। और जब ये घटना घटती है तो पहली बार ये गिरफ्तार होते हैं 24 अक्टूबर 1856 को। इनको प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर 1856 को, संबलपुर से इनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति जैसे ही शुरू होगी ये जेल से भागने में सफल होंगे और 27 अगस्त 1857 को जेल से फरार होकर संगठन बनाएंगे और एक संगठनिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ ही आंदोलन करते अपने साथियों के साथ मिलकर। फाइनली ये गिरफ्तार भी होते हैं, कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में एक री वारंट जारी करके एक सेना भेजी जाती है चार्ल्स इलियट के द्वारा, और ये पुनः गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार करके इनको प्रस्तुत किया जाता है और 10 दिसंबर 1857 को एक रायपुर के एक चौराहे में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है, जो वर्तमान में 15 अगस्त 1947 से किस नाम से जाना जाता है, जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर है संबलपुर, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। प्रश्न है, मराठाकालीन कर में शामिल नहीं है। अगर हम मराठाकालीन कर देखें तो मराठाकालीन अर्थव्यवस्था में शामिल होता था टकोली, जमींदारी क्षेत्रों से जो वार्षिक कर लिया जाता था उसको बोलते थे टकोली। मालगुजारी कर नहीं होता था, यही हमारा उत्तर होगा। शायर आप जानते हैं, वस्तुओं के खरीदी बिक्री पर जो कर लिया जाता था इसी को बोलते थे बिक्री कर, सेल टैक्स। और कलाली मादक पदार्थों से होने वाले जो आय होता था उस पर जो टैक्स लिया जाता था, तो मालगुजारी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए किसान आंदोलन स्थल एवं वर्ष सही सुमेलित है। हमको ये बताना है कि कौन सा स्थल किसान आंदोलन का वर्ष से सही सुमेलित है। अगर हम कांकेर रियासत से किसान आंदोलन की बात करें तो उसकी कहानी जुड़ती है 44-45 तात्कालिक दीवान टी महापात्र का नवीन भू राजस्व व्यवस्था के तहत ठेकेदारी पद्धति की शुरुआत, तो वो विरोध का कारण बना 44-45, तो सही सुमेलित तो ये नहीं है। शक्ति की बात किया जाए तो शक्ति 1937 बोल रहा है, नहीं, शक्ति में कहानी शुरू हुआ था नवंबर 1947 में, यहाँ की कहानी है, तब वहां के राजा थे लीलाधर सिंह और लीलाधर सिंह की नीति के विरोध में यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन हुआ था 1937 में, यही आगे चल के 1939 में जंगल सत्याग्रह में परिवर्तित हो जाता है और इसका नेतृत्व करते हैं सरयू प्रसाद अग्रवाल जी। वहां के किसान जो है कुसुम का समय सभा लगाकर डिसीजन लेते हैं कि हम सरयू प्रसाद अग्रवाल जी को इस किसान आंदोलन के लिए आमंत्रित करेंगे, और इनको आमंत्रित किया जाता है, ये किसानों के मांग को मान लेते हैं और उनका समर्थन करने के लिए खड़े होते हैं। तो 1937 में आंदोलन हुआ जो 1939 में जंगल सत्याग्रह में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है, तो मेन उस समय वहां का दीवान, क्योंकि जब 1865 में जॉन लॉरेंस ने जमींदारी चुनिंदा जमींदारी क्षेत्रों को सामंती सनद प्रदान किया तो छत्तीसगढ़ में जो जमींदारी क्षेत्रीय थे उसमें से 14 जमींदारी क्षेत्रों को रियासत का दर्जा मिल गया, लेकिन बाकी जमींदारी क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला दिया गया, लेकिन उनको कुछ अधिकार दे के ये मिलाया गया, जिसमें से एक अधिकार था वन का अधिकार। लेकिन जब उस समय तात्कालिक दीवान था उनका नाम था मणिराम पांडे, इसी मणिराम पांडे ने वहां के स्थानीय लोगों को उनके वन अधिकार से वंचित कर दिया
और वन अधिकार से वंचित किया, तो इसी विरोध में 1949 में यही किसान आंदोलन जंगल सत्याग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इसमें सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें शामिल ये है जो नाम लिखा हूं मैं, सरयू प्रसाद अग्रवाल जी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद। और फाइनली आप जानते होंगे इधर मध्य प्रांत में सरकार बनी है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री है पंडित रविशंकर शुक्ल। और 8 नवंबर 1949 को जब द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत होने पर जब पूछा नहीं जाता है तो पूरे विधान कांग्रेसी मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र दे देते हैं, और जैसे त्याग पत्र देंगे ये सत्याग्रही जो गिरफ्तार हो उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो डोंडी लोहारा है 1937 ये मैच है। राजनांदगांव 1879 राजनांदगांव में सेवता ठाकुर के नेतृत्व में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था, तो ये भी सही सुमेलित है। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 3 और 4, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है एगेन्यू के शासनकाल की घटना के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अब हमको बताना है कि कौन सी घटना एगेन्यू के शासनकाल से संबंधित नहीं है। ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत, हम ताहूतदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो एक अंग्रेज का नाम आता है अधीक्षक शासनकाल, आप सुने होंगे अधीक्षक शासनकाल। और ये अधीक्षक शासनकाल आने का मेन कारण क्या था, तो अधीक्षक काल की बात किया जाए तो ये व्यवस्था चली है 1818 से 1830 तक। इस अधीक्षक शासनकाल में 6 अंग्रेज हुए जो यहाँ पर अधीक्षक के रूप में राज किए, जिसमें से हम पहला नाम सुनते हैं उनका नाम आता है वो है एडमंड। लगभग 1.25 महीना तक ये छत्तीसगढ़ के अधीक्षक रहे, रतनपुर क्षेत्र से व्यवस्था चलाएं। लेकिन दूसरे और प्रमुख अधीक्षक हुए वो थे एगेन्यू, और 1818 से लेकर ये 1825 तक अधीक्षक के रूप में शासन किए छत्तीसगढ़ में। इन्हीं के समय की महत्वपूर्ण घटना है राजधानी या प्रशासन का केंद्र अधीक्षक कार्यालय ये रतनपुर से रायपुर ट्रांसफर करते हैं, पहली घटना। इन्हीं के समय 1818-19 में सोना खान के जमींदार राम साय का विद्रोह होता, वही थोड़ी देर पहले जो आपको बताया गया, वीर नारायण सिंह जी के पिताजी थे। इन्हीं के शासनकाल की घटना है महारसिया की घटना होती है, नवागढ़ जमींदार परिवार का एक व्यक्ति महारसिया नाम का, उनके आंदोलन को ये दबाते हैं। इन्हीं के समय की घटना सावन भारती नाम का एक विद्रोही व्यक्ति जो शासन के विरोध में आंदोलन शुरू करता है उनको गिरफ्तार करवाते हैं। और इन्हीं के समय की महत्वपूर्ण घटना है बस्तर जमींदारी क्षेत्र में, जब वहां पर काकती वंश का शासन था, महिपाल देव गद्दी में बैठा था, तो 1824-25 में आंदोलन चला परलकोट विद्रोह, और उस परलकोट विद्रोह को ये फिर शांत कराते हैं कैप्टन पेप को भेजकर जो चांदा के एसपी रहते हैं। तो कुछ घटना इनसे जुड़े हुए हैं, इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ताहूतदारी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा था, तीसरा नाम आता है इसमें वो है आपका हंटर, और चौथा नाम आता है वो है सैंडिस। ये हमारे काम के हैं, चौथे अधीक्षक हमारे काम के हैं जो कि 1825 से 28 तक रहते हैं, और इसी के शासनकाल में ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ताहूतदारी व्यवस्था समझनी है। ताहूतदारी व्यवस्था कहने का मतलब ये था सरकार जो है खाली पड़े जमीनों को अतिरिक्त आय सृजन के लिए किसानों को लीज पर देना शुरू किया, ताकि वो भूमि खाली पड़ा है तो कृषि कार्य के उपयोग में आ जाए, किसानों का भी सुनिश्चित हो जाए, साथ में उससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे ताहूतदारी क्षेत्रों को इन्होंने निर्माण किया, और जब ये सत्ता में थे, शासन में थे, तो इन्होंने 1826 तथा 1828 में दो ताहूतदारी का निर्माण किया। एक नाम था इसमें से लोरमी और दूसरा नाम था इसमें से तरेंगा। फिर आगे चल के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, चिश्मा और हैविट नाम के दो सेटलमेंट ऑफिसर हुए जिन्होंने इस व्यवस्था का एक ने आलोचना किया, दूसरे ने समर्थन किया है। तो जुड़ा हुआ इससे आगे की कहानी जुड़ेगा, वो आगे इसको एक्सटेंड करेगा जब आएगा। इसके बाद जिलेदारी व्यवस्था, अधीक्षक शासन खत्म होता है 30 में, तो जिलेदारी व्यवस्था आता है। नागपुर का भोसला शासक होता है बाजीवा गुजर, जो कि रघुजी तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, और उसी के शासनकाल में बनेगा दो और आपके ताहूतदारी क्षेत्र, जिसमें से है एक सिरपुर और लवन 1843 और 48 में। फिर जब पहले डिप्टी कमिश्नर आते हैं चार्ल्स हिलियर, तो 1858 में 3 नए ताहूतदारी क्षेत्रों का गठन करते हैं, सिहावा, संजारी और खल्लारी। ऐसे ताहूतदारी व्यवस्था चली, लेकिन इस ताहूतदारी व्यवस्था की शुरुआत एगेन्यू ने नहीं की है, ये सुमेलित नहीं है, ये हमारे लिए प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर होगा। डोंगरगढ़ विद्रोह, डोंगरगढ़ जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह हुआ था एडमंड के शासनकाल में। डोंगरगढ़ के जमींदार घासीदास वैष्णव ने विद्रोह कर दिया था 1818 में, तो ये भी सुमेलित नहीं है, तो हमारे प्रश्न के दृष्टिकोण से आंसर ही होगा। सावन भारती मामला इन्हीं के समय की घटना है, महारसिया की जो घटना है वो इन्हीं के समय की घटना है, एगेन्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए सुमेलित नहीं है, 1 और 2, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
प्रश्न है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अगर हम देखें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को तो सेवा दल गठित हुआ था 1938 में खैरागढ़ में। खैरागढ़ में एक दल का गठन हुआ था सेवा दल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1938 में, और सुखराम जी और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने मिलकर इस दल का गठन किए थे। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए सेवा दल। अगर आप ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो है सरस्वती पुस्तकालय 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। कवि समाज की बात करें तो राजिम में स्थापित किया गया था 1898 में विश्वनाथ दुबे और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मिलकर। बुद्धि प्रकाश सभा, ये आपको मिलेगा कि बुद्धि प्रकाश सभा जो है वो बिलासपुर में स्थापित किया गया था। ये कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता जन जागरूकता के लिए स्थापित संस्थाएं थी। यहां पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर से वकालत छोड़ने वाले वकील थे। अब आप जानते होंगे, ग्रंथ एकेडमी पढ़े होंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है जब असहयोग आंदोलन चला तो छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा और जो जो गांधी जी के आह्वान की बात हुई थी उन्हीं सब चीजों का प्रभाव यहां दिखता है। छत्तीसगढ़ के भी 8 वकीलों ने वकालत सेवा का त्याग कर दिया था, जिसमें से आपको मिलेगा रायपुर से 2 वकील, दुर्ग से 3 वकील तथा बिलासपुर से 3 वकील। अब यहां पर बोला जा रहा है रायपुर से कौन कौन, तो पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित यादव राव देशमुख, इन दोनों ने वकालत छोड़ा था। दुर्ग से बात किया जाए तो घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत सेवा त्याग दिया था दुर्ग से। बिलासपुर की बात किया जाए तो ई राघवेंद्र राव जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी और एन आर खान खोज ने वकालत सेवा की त्याग की थी इस असहयोग आंदोलन के समर्थन में। और प्रश्न यहां पर रायपुर की कहानी पूछा जा रहा है तो रायपुर आप देख लीजिए, रायपुर से पंडित यादव राव देशमुख जी मैंने नाम लिया है, पंडित रामदयाल तिवारी ये भी नाम लिया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये दुर्ग से छोड़ने वाले हैं, वामन राव लाखे जी राय साहब की उपाधि छोड़े थे तब इसको रायपुर की प्रजा ने लोकप्रिय कहा था। तो ये दोनों तो संबंधित नहीं, हमारा उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। प्रश्न है, देशी रियासतों की ओर से संविधान सभा में शामिल रघुराज सिंह का संबंध किस रियासत से था? आपको पता है कि छत्तीसगढ़ से इस संविधान सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों में नाम एक तो ब्रिटिश क्षेत्र से, या आप बोल सकते हैं क्या ब्रिटिश क्षेत्र से या खालसा क्षेत्र से लिखा मिलेगा, जो भी आप समझिएगा, ब्रिटिश क्षेत्र से शामिल हुए 3 नाम उसमें आता है। 3 नामों में से एक नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, दूसरा नाम है घनश्याम सिंह गुप्त जी का और तीसरा नाम है बैरिस्टर छेदीलाल जी का। ये 3 लोग इस संविधान सभा के लिए चुने गए थे ब्रिटिश क्षेत्र से। अगर मैं रियासत क्षेत्र से बात करूं तो रियासत क्षेत्र से जो नाम शामिल था उसमें ये जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है वो रघुराज सिंह ये शामिल थे, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी और राम प्रसाद पोटाई जी, ये रियासत की ओर से शामिल थे। प्रश्न पूछा जा रहा है रघुराज सिंह ये उस समय थे सरगुजा रियासत के दीवान और यही संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो सरगुजा रियासत से इनका संबंध रहा रघुराज सिंह, उत्तर है इसका ऑप्शन सी। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक सूची में दे है संगठन, दूसरा सूची में दे है स्थल, और ये संगठन स्थल है राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करने के लिए, जन जागरूकता स्थापित करने के लिए स्थापित की गई संस्थाएं विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, और स्थल है तो मालिनी रीडिंग क्लब, ये रायपुर में आया था, रायपुर आप देख लीजिए डी में है तो उत्तर होना चाहिए D का 1। अब D का 1 देख रहे हैं तो 2 ऑप्शन है, ये दोनों कट जाएंगे, D का 1 दिख रहा है आपको बी और डी में। फिर है रीडिंग क्लब, ये बिलासपुर में आया था, मतलब सी का होना चाहिए टू कहने का मतलब अब यहां देख लीजिए C3 है, यहां 2 है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मैच कर लीजिए आप, कवि समाज राजिम की कहानी है 1898 तो A का होना चाहिए 3 मैच है, सरस्वती पुस्तकालय 1909 राजनांदगांव की कहानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह B का होना चाहिए 4 तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, और ये संस्थाएं स्थापित की गई थी, मैं आपको कारण बता ही दिया हूं। प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है?
जब बैरिस्टर छेदीलाल जी का नाम आता है तो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, वो एक वकील रहे हैं जो देश की सेवा किए हैं, हमारे प्रदेश के विभिन्न आंदोलनों में इनका योगदान रहा है, इनका संबंध रहा है वर्तमान जांजगीर चांपा के अकलतरा से। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हॉलैंड का इतिहास, अकलतरा से इनका संबंध रहा है। इनका नाम आएगा किसमें, संविधान सभा में इनका नाम आता है, जब वकाला त्याग की बारी आती है तो इनका नाम आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनका नाम आता है। एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं बैरिस्टर छेदीलाल जी। तो देखिए अगर आप इसका उत्तर, तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, रियासतों के विलय के पश्चात मध्य प्रांत में निर्मित जिलों में शामिल नहीं है, मतलब जब 14 रियासतों का विलय हुआ तो कौन सा जिला बना उसमें ये शामिल नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे तो दुर्ग, आप जानते हैं कि जब आपका बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में, तो इस बंगाल हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका प्रभाव, प्रभाव में एक हम देखते हैं भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक, और दूसरा हम देखते हैं वो हरे प्रशासनिक। जब भौगोलिक प्रभाव के बात आते तो छत्तीसगढ़ के, अब मैं बोलो मध्य प्रांत के, मध्य प्रांत के भूभाग में परिवर्तन आते, 5 रियासतें जो है वो मध्य प्रांत से शामिल होती बंगाल प्रांत में, और बंगाल प्रांत से 5 रियासतें शामिल होती मध्य प्रांत में। इसके अलावा जो संबलपुर जिला हमारे यहाँ बना था रायपुर बिलासपुर के साथ 1861 में, वो संबलपुर भी बंगाल प्रांत का हिस्सा बनती है। ये भौगोलिक परिवर्तन है। अब प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ, प्रशासनिक परिवर्तन हुआ ये कि जो आपका प्रशासन में यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर होता था उसको कमिश्नर पद नाम दिया गया, और जिलों के प्रशासनिक अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर नाम दिया गया है, ये प्रशासनिक परिवर्तन है। अब हुआ ये 1906 1 जनवरी को एक नया जिला का गठन हुआ, संबलपुर चले गए तो दो ठन जिला बांचिस रायपुर और बिलासपुर, तो रायपुर और बिलासपुर ला पुनर्गठित करके ही दुर्ग जिला ला बनाया गया है 1 जनवरी 1906 में। अब यहां बात चला था रियासत के, तो ये तो 1 जनवरी 1906 कहानी है, रियासत विलय 1 जनवरी 1948 की कहानी है, तो ये तो बने नहीं, सुमिलित नहीं है कहा तो ही सही हूं। एक बस्तर जिला बना था बिल्कुल, कांकेर और बस्तर रियासत क्षेत्र को विलय करके ही 1 जनवरी 1948 को जिला बनाया गया था। एक सरगुजा भी जिला बना था, जो चांगभखार रियासत है, कोरिया रियासत है, सरगुजा रियासत, इन तीनों रियासत के भौगोलिक क्षेत्रफल को मिला के एक जिला का दर्जा दिया गया। और रायगढ़ ये भी जिला बना था, जसपुर रियासत, उदयपुर रियासत, आज का धरमजयगढ़, रायगढ़ और सारंगढ़, ये चारों रियासत को मर्ज करके रायगढ़ जिला बनाया गया है। टोटल 3 जिले बने थे, 9 रियासत का क्षेत्रफल मर्ज हो गया था, बचा 5 रियासत था, तो शक्ति रियासत के क्षेत्रफल को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिलासपुर जिला में शामिल किया गया। कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, ये चारों रियासत के क्षेत्रफल को दुर्ग जिला में प्रशासनिक इकाई के रूप में शामिल किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा सुमेलित नहीं है बोला थे, तो उत्तर है कर ऑप्शन ए, कावर दुर्ग 1 जनवरी 1906 बने भाई। प्रश्न है सगा, जनजाति विद्रोह में नेतृत्व तो सुमेलित नहीं है, मतलब हम जब बात करते हैं जनजाति विद्रोह की तो पूरी कहानी शुरू होती है 1774 से 1777 में, जो पहला विद्रोह हुआ था हलबा विद्रोह, यहां से कहानी शुरू होती। 74 से 77 दोनों भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष, अब दो भाई कौन, एक अजमेर सिंह और दूसरा दरिया देव, ये दोनों पुत्र रेखाकर दलपत देव के, और वहीं से 70 संघर्ष शुरू होते, यही हलबा विद्रोह का परिणाम निकलते, कोटपाड़ के संधि हुई, बस्तर क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के अंग बन थे, कि एक मतलब मोरिए मराठा के हिस्सा बनी, हस्तक्षेप शुरू हुई। और आप जानते हैं स्वच्छंद जीना पसंद है स्थानीय आदिवासी या कोई भी समाज के व्यक्ति को हो, तो जब यहां के स्थानीय आदिवासियों पर किसी का क्या पड़ा, दबाव पड़ा या जबरदस्ती उनके अधिकारों का हनन किया गया या उनके सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था का पर हस्तक्षेप हुआ, तो आदिवासियों ने, स्थानीय लोगों ने इसका प्रतिकार किया, उसी को हम पढ़ते हैं जनजाति विद्रोह के रूप में। और जनजाति विद्रोह की बात आती है तो काकतीवंशी शासन काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसा घटी है। अगर मैं इसको ऑप्शन से देखूं तो देख लीजिए आप, मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह जो है वो झाड़ा सिरा, यहाँ पर सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, तो मुरिया विद्रोह में झाड़ा सिरा थे मुरिया विद्रोह के नेता, और आपको ध्यान में होगा तो इन्हीं के नाम पर ही जगदलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा गया है वीर झाड़ा सिरा जी के नाम पर,
वो मुरिया विद्रोह के नेता थे। 1876 में यह विद्रोह हुआ था। गोपीनाथ कपड़दार दीवान था और उनके हरकतों के विरुद्ध में कोई विद्रोह, कोई एक दोरली भाषा या बोली का शब्द है और कोई का मतलब होता है पर्वतीय भूमि में रहने वाले लोग, तो इसका नेतृत्व किए थे। अब दोरली का बोला कहा था, दोरली के बोलिए मतलब नागुल दोरला एकर नेतृत्व करे है। नागुल दोरला जी के नेतृत्व में सार वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी और उसी कटाई को रोकना तथा संसाधन के संरक्षण के लिए विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर सुमेलित यही नहीं है, जुग्गा राजू दिखा थे तोला, और जुग्गा राजू ए आंदोलन से संबंधित नहीं है भाई, ठीक, ये आंदोलन से होकर संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, मतलब ये सपोर्ट कर ही कौन ला, नागुल दोरला ला। तो एकर मेन नेता रिसो नागुल दोरला जी रिस, तो उत्तर हमारे ही होना चाहिए, खबर ये सही सुमेलित नहीं है। लिंगागिरी धुरवा राव जी हरे जाना तो बसते है, 5 मार्च 1856 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। बस्तर का महान मुक्ति संग्राम इसी लिंगागिरी विद्रोह को बोलते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में जतरा उरांव के नेतृत्व में जमींदार तथा ब्रिटिश शोषण के विरोध में आंदोलन शुरू होता है और इसका दमन कर दिया जाता है। जतरा उरांव तथा उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्षों की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न है, नहर सत्याग्रह के दौरान कंडेल में सभा का आयोजन हुआ था। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नहर पानी को लेकर धमतरी वर्तमान जिला कंडेल गांव के किसानों ने सत्याग्रह किया था और ये केवल सत्याग्रह जो था वो नहर पानी के लिए था। नहर कर इनके ऊपर जबरदस्ती जुर्माना आरोपित कर दिया गया था नहर विभाग के द्वारा और इसी के विरुद्ध लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के पहले एक सभा का आयोजन हुआ था कि क्या किया जाए ब्रिटिश हुकूमत के से लड़ने के लिए। तो सितंबर 1920 में एक सभा का आयोजन हुआ जिस सभा में निर्णय लिया गया तथा इसका नेतृत्व तो संभाले कौन, कंडेल गांव के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नारायण राव फडणवीस जी जिनको मेघावाले के नाम से जानते हैं तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए, सितंबर 1920। प्रश्न है, प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, आपको सही नहीं है बताना है। यह रायगढ़ में संचालित हुआ, आप जानते हैं मजदूर आंदोलन हमारे यहाँ एक ही जगह चला है और 3-3 बार चले है और वो हरे का राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक ठन मिल स्थापित हो रही से जब राजनांदगांव रियासत बनी 1865 में, महान घासीदास जी है ओकर राजा रही से, ओकरे पुत्र रही थे महान बलराम दास और यही महान बलराम दास के शासन काल में मुंबई के एक उद्योगपति मैकवेथ ब्रदर्स है 1892 में यहाँ सीपी मिल के स्थापना करते हैं, सेंट्रल प्रोविंस मिल, और यही सीपी मिल जो है प्रोडक्शन में आता है 1894 में 1894 में, मतलब ये सूती धागा के उत्पादन करते। 97 में घाटा कारण ओनरशिप चेंज हो गए, वालिस कंपनी खरीदी सेल कलकत्ता के और एकरे नाम हो गए बीएनसी और यही बीएनसी से 3 बार मजदूर मन के आंदोलन ठाकुर प्यारे लाल सिंह के नेतृत्व में 20, 24 और 37। ठाकुर प्यारे लाल सिंह यहाँ इस वाले आंदोलन में निष्कासित कर दिए गए थे राजनांदगांव रियासत क्षेत्र से। तो राजनांदगांव में हुआ, रायगढ़ तो उत्तर होगा नहीं, सुमेलित नहीं है, मतलब ये हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जवाब है। ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने इसका नेतृत्व तो किया ये सही है, लेकिन ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा गलत जवाब हो जाएगा। 40 दिनों तक मजदूरों का ऐतिहासिक हड़ताल, जो पहला मिल मजदूर हुआ था उसमें 37 और कहीं कहीं मिलेगा आपको 36, तो ये ऑप्शन को एक ही देगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हड़ताल हुआ था लेकिन 40 दिन का नहीं, यह 1920 में संचालित हुआ था। प्रथम मिल मजदूर की बात हो ही रही है तो 1920 का ही है। तो आपका जो हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सही जवाब होगा ये 3 और 1, तो उत्तर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। प्रश्न है, गोंड जनजाति के द्वारा वर्ष 1932 में बेगार के विरोध में निम्नलिखित में से किस कहां आंदोलन किया गया। जब हम पढ़ते हैं जनजाति आंदोलन तो कोरिया रियासत का नाम आता है, कोरिया रियासत जिसकी राजधानी क्या थी, बैकुंठपुर। कोरिया रियासत जिसकी राजधानी बैकुंठपुर थी, और कोरिया रियासत के तात्कालिक राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। अब नाम तो सुने होंगे रामानुज प्रताप सिंह देव, इन्हीं के नाम से राज्य अलंकरण सम्मान दिया जाता है श्रम के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए, रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। ये वही राजा है जिन्होंने पूर्वी रियासत संघ का गठन किया था कि हम जो है नहीं शामिल होंगे भारत संघ में, ऐसा उद्देश्य लेके पूर्वी रियासत संघ। ये वही रामानुज प्रताप सिंह देव है जो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे रियासतों के
ओर से। और इन्हीं के शासनकाल की घटना है गोंड जनजाति का बेगार विरोधी आंदोलन। तो इसका संबंध जो है वो कोरिया रियासत से है। कोरिया इसका सही जवाब तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी। प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें, आपको असत्य कथन बताना है। पहला कथन ने ऑप्शन के रूप में दिया विट्ठल राव दिनकर परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे सूबेदार थे, सूबेदारी व्यवस्था चली है 1788 से लेकर 1818 तक, और इसमें दूसरे सूबेदार बन के आए थे वो थे विट्ठल जी, और 1790 में अपने सूबा क्षेत्र को ये 27 परगनों में बांटते हैं, तो जन्मदाता है, हमको असत्य बताना है। फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के काल में छत्तीसगढ़ आए थे, प्रथम यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का आगमन हुआ था जब महिपत राव दिनकर जो है वो प्रथम सूबेदार बन के बैठे थे तब, कब 1790 में। कैप्टन ब्लंट विट्ठल दिनकर के काल में छत्तीसगढ़ आते हैं, ये भी सही है। कैप्टन ब्लंट का आगमन होता है 1795 में जब आपका द्वितीय सूबेदार रहते हैं कौन, विट्ठल, विट्ठल दिनकर जी 1790 से सूबेदार रहते हैं 96 तक इनका शासनकाल है। चौथा कथन है कोलब्रुक ने भवानी कालू के काल में छत्तीसगढ़ की यात्रा की, ये तीसरे सूबेदार थे। चौथे सूबेदार थे हमारे वो थे कौन, केशव गोविंद, और कोलब्रुक का संबंध केशव गोविंद जी से है। 1799 में ये छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, तृतीय यूरोपीय यात्री। तो असत्य कथन यही है, उत्तर है हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न है सही कथन पर विचार कीजिए, आपको सही कथन बताना है। कथन एक महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास 1920 में दिसंबर माह में रहा, सही है, दो दिनों के लिए आए थे 20 और 21 दिसंबर छत्तीसगढ़ के लिए आए थे गांधी जी, उनके साथ शौकत अली जी का आगमन हुआ था, ऐसा हम पढ़ते हैं। ये दौरा भी किए थे गांधी जी, यहाँ पर रायपुर में एक सभा का आयोजन हुआ था और उसी दिन से वो चौक जो है जहां पर सभा लगा था वो गांधी चौक कहलाने लग गया। उसी दिन से है आपका जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर का गठन हुआ, इसके पहले अध्यक्ष चुने गए सीएम ठक्कर उसी माहौल में, सभा के माहौल में ही, और इसके प्रथम सचिव हुए वो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा कथन गांधी जी के साथ लियाकत अली का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, जी नहीं, शौकत अली जी आए थे जो कि खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। तो हमारा कथन एक ही सही है, ऑप्शन देखिए कथन एक सही है, तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न है सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह की घटना घटी। अब आप जानते हैं कि 21 जनवरी 1922 सिहावा नगरी क्षेत्र से जंगल सत्याग्रह हुआ, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी क्षेत्र से नारायण राव फडणवीस मेघा वाले, छोटेलाल श्रीवास्तव जी और सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह का आयोजन हुआ। अब आप जानते हैं इस समय चल रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और ये ब्रेक होता है 12 फरवरी 1922 को। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन की घटना 1942 क्या है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि मैं 1922 का जिक्र कर रहा हूं। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 की कहानी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की कहानी है, असहयोग आंदोलन, तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। प्रश्न है जंगल सत्याग्रह एवं समय के विषय में विचार करें, आपको बताना है जंगल सत्याग्रह और उसका समय अवधि सही सुमिलित नहीं है, कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। तमोरा सितंबर 1930 ये सुमिलित है भाई, हमारा आंसर नहीं होगा। रुद्री नवागांव अगस्त 1932 जी नहीं, ये अगस्त 1930 में हुआ था, तो एक मिल गया, ये सुमिलित नहीं है। मोहबनापुरी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 की घटना है, ये भी, ये 32 दे दिया है, तो ये भी सुमिलित नहीं है। पोड़ी सीपत ये जून 1930 की घटना नहीं है, ये जुलाई 1930 की घटना है, तो हम सही सुमिलित नहीं है। 2, 3, 4 ऑप्शन आप देखिए, 2, 3, 4 मिलेगा आपको बी में। और आप जानते होंगे कि जंगल सत्याग्रह की जो घटना है वो हमारे यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की घटना है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में दो फेस में चला है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून उल्लंघन के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा करके, और उसी का दो फेस हमारे यहाँ दिखता है। प्रथम चरण दिखेगा, हमारे यहाँ भी एक्टिविटी होगी, नमक कानून उल्लंघन का होगा, जंगल सत्याग्रह उल्लंघन का होगा, एक फेस में पढ़ते हैं, और दूसरे फेस में कुछ कुछ घटनाएं हम पढ़ते हैं। तो जो जंगल सत्याग्रह का जिक्र हो रहा है वो प्रथम फेस की घटना है, पहले चरण में घटता है
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तब, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना है और प्रश्न का उत्तर है बी। ये था आपके आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।